राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे ब्रज यात्रा के एपिसोड नंबर 3 में। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ राधे और कृष्णा जी के वो प्रेम के साक्ष्य के लिए बनाया हुआ एक ऐसा मंदिर जो आज भी राधे और कृष्णा जी की प्रेम की लीलाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कृष्णा जी के द्वारा रची गई वो सारी लीलाएं जिसको देखने वृंदावन के इस प्रेम मंदिर में लाखों करोड़ों की तादाद आपको देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों अभी फिर से आया हूँ मैं एक और नए मंदिर में। अभी मैं हूँ प्रेम मंदिर वृंदावन के अंदर। और भाई यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अंदर साइड चलकर अपन दिखाने वाले। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मॉर्निंग के 8 बजे हैं। भाई 8 बजे यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगने लगी यहाँ पे आप खुद यहाँ पे देखने को मिलेगी। कल का जो मेरा व्लॉग था वो था भाई मथुरा का। उसके बाद में आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वृंदावन को। वृंदावन में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो प्रेम मंदिर है उसकी जो खूबसूरती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो सारे के सारे लोग अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। दी जाती है यहाँ पे, उसके बाद में जेंट्स को एंट्री दी जाएगी। तो अभी गेट खुलने वाला है और गेट अभी खोल ही रहे हैं। उसके बाद में अंदर की साइड जाएंगे सारे के सारे लोग और उस बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर साइड देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो भाई आप जो प्रेम मंदिर है ना उनका दर्शन जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो प्रेम मंदिर की जो खूबसूरती है ना, आपको यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। और अंदर की साइड अगर अपन चलेंगे ना तो यहाँ से जो मैंने रात आपको सारी चीज़ें दिखाई थी, जो रात का व्यू था भाई, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी सुबह सुबह की यहाँ पे जो एंट्री चालू होती है वो चालू होती है यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास। और अभी 8:30 से दिन के लिए मतलब 1 बजे के लिए खुलता है। उसके बाद में दिन में थोड़ी देर के लिए बंद रहता है और फिर उसके बाद में शाम को वापस से खुल जाता है। अगर यहाँ पे आप आ रहे हो प्रेम मंदिर में तो भाई आपके लिए जो ज़्यादा बेटर होने वाला है वो होने वाला है शाम का समय, क्योंकि शाम के समय की यहाँ की जो खूबसूरती है, जो लाइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो मंदिर का टाइमिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मतलब दर्शन आरती 8:30 बजे होती है, भोग यहाँ पे 11:30 बजे लगता है और यहाँ पे सेन यानी 12 बजे के आसपास यहाँ पे हो जाता है। शाम को अगर मैं बात करता हूँ यानी ये सुबह 8:30 से 12 बजे के लिए खुलता है, उसके बाद में भाई 12 से 4:30 बजे तक ये बंद हो जाता है। तो आप लोग अगर आ रहे हो तो आप सुबह या फिर शाम को यहाँ पे आएगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर। और भाई यहाँ पे वैसे बैग अलाउ नहीं है, वैसे अगर आप छोटा अगर कैमरा लेके आ रहे हो, मोबाइल लेके आ रहे हो तो वो तो अलाउ है, आपका वॉलेट अलाउ है। उसके अलावा भाई मंदिर की जो खूबसूरती आपको दिखाऊंगा, मंदिर की जो लीलाएं आपको दिखाऊंगा, रात में अच्छे से नहीं दिख पाती, तो अभी आपको देखने को मिलेगी। पीछे की साइड आप देख सकते हो श्री कृष्ण भगवान जी के यहाँ पे दर्शन कर सकते हो, जो एक पूरे नाग देवता के यानी जो नाग राक्षस था उसके ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो भाई यहाँ से आपको मंदिर का बहुत ही बढ़िया सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे अपन आगे आगे चलते जाएंगे चीज़ें और भी देखते जाएंगे कैसा क्या वहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे श्री कृष्ण भगवान के द्वारा रचाई गई लीलाएं आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा दूर से जो मंदिर आप देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ में नाचते हुए नजर आते हैं।
दोस्तों मंदिर के अंदर अब मैं वो लीला आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पे उठाकर ब्रिजवासियों को बारिश से भीगने से बचाया था, क्योंकि यहाँ पे ये लीला भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ऐसी बहुत सारी लीलाएं और भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से वो राक्षसनी पूतना, जिसका मतलब जिसकी छाती के ऊपर श्री कृष्ण भगवान साक्षात विराजमान है, वो भी उसके अलावा भाई यहाँ पे जो श्री कृष्णा जी हैं वो माखन छोड़ने के बाद में उनकी जो मैया है उनके पीछे दौड़ती हुई भी आपको नजर आएगा, तो वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्रेम मंदिर में जा रहे हो तो आज भी श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं आपको देखने को मिलेगी। जब श्री कृष्ण भगवान छोटे बच्चे थे तो गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, गोपियों की मटकियां फोड़ देते थे, तो मैया यशोदा आज भी श्री कृष्ण भगवान के पीछे डंडा लेकर दौड़ती हुई नजर आ रही है, और यशोदा मैया के साथ में गोपियां भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसे ही और भी झांकियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि वासुदेव जी मथुरा से गोकुल के लिए श्री कृष्ण भगवान जी को छपड़ी में बिठाकर यमुना पार करते हुए आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें मैंने मथुरा के व्लॉग में आपको रियल दिखाई थी, जहां से वासुदेव जी ने सच में जिस विश्राम घाट से यमुना पार की थी वो सारी की सारी चीजें भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। साइड उधर की साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत पे बैठे हुए मंडली भी आपको वहाँ पे उधर की साइड देखने को मिल जाएगी। ये वही जगह है जहाँ पे शाम के टाइम यहाँ पे आपको पानी की एक झांके टाइप आपको यहाँ पे नजर आएगी। उसके बाद में भाई यहाँ से पीछे की साइड कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जो पीछे से मंदिर कुछ इस तरीके का खूबसूरत आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप प्रेम मंदिर में शाम के समय आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे म्यूजिक के साथ में पानी डांस करते हुए आपको नजर आएगा। यहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी पतली फिल्म यानी पतली पर्दा यहाँ पे बनता है और उस पर श्री कृष्ण भगवान की जो लीला है वो यहाँ पे दिखाई जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रेम मंदिर में शाम के समय पे आना ज्यादा बढ़िया रहेगा।